बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के कमेंट को लेकर हर तरफ बवाल मचा है। सेना का अपमान करने पर ऋचा चड्ढा को सोशल मीडिया पर गंदे तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है। गलवान वैली पर अपने ट्वीट को ऋचा चड्ढा ने भले ही डिलीट कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद लोगों के निशाने पर अभी तक है ऋचा चड्ढा। इसी बीच अक्षय कुमार के बाद अनुपम खेर ने ऋचा चड्ढा की बात को शर्मनाक बताया। ऋचा चड्ढा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है और इसके बाद उन्होंने सभी से माफी भी मांग ली है। आइए आपको बताते हैं ऋचा चड्ढा के कमेंट पर क्या कुछ कहा बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने। गलवान वैली को लेकर ऋचा चड्ढा का किया एक ट्वीट उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया। ऋचा के ट्वीट की आलोचना लगातार हो रही है। अक्षय कुमार के बाद अनुपम खेर भी भड़कते नजर आए हैं ऋचा चड्ढा पर, और इसके साथ ही ऋचा के ट्वीट को उन्होंने गलत बताया। अनुपम खेर ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि देश की बुराई करके कुछ लोगों के बीच फेमस होने की कोशिश करना कायर और छोटे लोगों का काम है, और सेना के सम्मान को दांव पर लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। अनुपम खेर का ये ट्वीट इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनुपम खेर के ट्वीट से साफ समझा जा सकता है कि ऋचा चड्ढा पर वो कितना ज्यादा नाराज हैं। अनुपम खेर के अलावा रवीना टंडन ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए रवीना ने लिखा, मैं इस बात से सहमत हूँ, लोगों की अपनी राजनीतिक सोच और विचार होते हैं, लेकिन जब बात सेना सीमा रेखा पर खड़े सैनिक और हमारे शहीदों पर आ जाए तो इस तरीके से तंज और मजाक नहीं किया जाना चाहिए। रवीना टंडन भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट को लेकर काफी नाराज है और उन्होंने भी ऋचा पर ये कमेंट किया है। आपको बता दें, अनुपम खेर और रवीना टंडन से पहले सबसे ज्यादा नाराजगी जाहिर की थी बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने। ऋचा चड्ढा के ट्वीट को लेकर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था, ये देखकर मुझे दुख हुआ, हमारी सेना की तरफ हमें कभी भी एहसान फरमोशी नहीं होनी चाहिए, वो है तो हम है। अक्षय कुमार का ये ट्वीट तेजी से वायरल हुआ और इसके साथ ही अक्षय कुमार को भी सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे जो कि ये मानते हैं कि ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया वो काफी गलत था। अक्षय कुमार के बाद अब अनुपम खेर और रवीना टंडन का भी रिएक्शन सामने आ गया है, जिसमें भड़के हुए नजर आए हैं दोनों ऋचा चड्ढा पर। थर्सडे को उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा था कि भारतीय सेना पीओके को दोबारा हथियाने के लिए भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले आदेश का बिल्कुल इंतजार कर रही है। उनके इस बात पर जवाब देने वाली पहली सेलेब कोई और नहीं बल्कि ऋचा चड्ढा थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गलवान हेलो बोल रहा है। इस ट्वीट का इशारा 2020 में हुए गलवान क्लैश की तरफ था। उनकी इस बात के बाद हंगामा खड़ा हो गया। ऋचा चड्ढा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। इसके बाद उन्होंने सभी से माफी भी मांगी और इसके साथ ही उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट किया। उन्होंने माफी मांगते हुए ट्वीट किया कि मेरा मकसद कभी भी भारतीय सेना को आहत करना नहीं था, लेकिन जिन तीन शब्दों को विवादों में घसीटा जा रहा है, अगर उनसे किसी को भी दुख पहुंचा हो तो मैं माफी चाहती हूं। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अगर अनजाने में मेरे शब्दों ने फौज के मेरे भाइयों को आहत किया तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए नहीं होगा। मेरे नाना जी भी सेना का हिस्सा रहे। हालांकि ऋचा चड्ढा ने माफी तो मांग ली, लेकिन उसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ऋचा चड्ढा के ट्वीट ने बहुत लोगों को आहत किया है। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।